हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? रूपा एंड फैमिली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे और सब भले चंगे होंगे। और ये देखिए, जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था, फिर वहीं से मतलब कि शुरू किया है। तो बस मैं अभी जा रही हूँ, मतलब अभी रास्ते में ही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये देखिए व्यू कितना अच्छा लग रहा है, बस नज़ारा देखिए, ये पेड़ पौधे और मतलब कि ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। तो मैं अभी मतलब जा रही हूँ, थोड़ी मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो छठ पूजा मनाने के लिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो आपको बता दे रही हूँ। और आज है मतलब कि नहाई खाई, तो आज मतलब नहाई खाई है, तो मैं मतलब सुबह में नहा धोवा के और घर में अपना मतलब साफ़ सफाई करके और मैं चली गई थी। तो वहाँ पे फिर उसके बाद मतलब बहुत कुछ होता है नियम, तो इसलिए ये देखिए मैं पहुँच गई अपने ससुराल ससुराल के घर। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वहाँ छत पे मैं हूँ, तो छत पर से देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो ये देखिए आपको मैं दिखा दे रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था छत पर से, और छत पर से गाड़ियाँ भी दिख रही थी और फिर ये पेड़ पौधे भी दिख रहा था, तो अच्छा लग रहा था। और अभी हम लोग यहाँ पे मतलब क्या करते हैं, अभी देखिए छठ पूजा में सबसे पहला काम मतलब सबसे पहला दिन आज है, तो छठ पूजा के बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। पहला दिन नहाई खाई का बहुत बहुत बधाई हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे गेहूँ धोएंगे और गेहूँ को चुनेंगे और धोएंगे और सुखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सब सब तैयारी हो गई है, मतलब गेहूँ भी आ गया है, चावल गेहूँ सब धो के ही इसमें यूज होता है। तो अभी हम लोग गेहूँ धोएंगे और मेरी जेठानी और देवरानी दोनों मिलके इस बार हम लोग छठ करने के लिए मतलब हम लोग दोनों मिलके ही सारा काम करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ भी दिख रही है, कितने मतलब कितना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लोग के घर तरफ तो ऐसा नज़ारा नहीं है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग के घर से, जैसे कि हम लोग के घर से तो कितना 8-10 किलोमीटर दूर होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं जानती लेकिन इतना तो होगा ही होगा, 8-10 किलोमीटर दूर होगा। कर दिए तो मैं यहाँ आई हूँ, तो बाइक से ही आ गई हूँ, इसलिए मतलब कोई बड़ा गाड़ी से नहीं है। ये देखिए मेरी जेठानी और मैं यहाँ दे रही हूँ खा के, और मैं चुन के सारा गेहूँ यहाँ पर रखी हूँ। तो वो नीचे थी और नहा हुआ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी पहले। तो सारा गेहूँ और चावल मैंने चुन चुन लिया है एकदम साफ से, यहाँ इसको घेरेंगे लाके मैं मतलब रख दिया है। और अभी गेहूँ निकाल निकाल के मैं देते जा रही हूँ उठा के, और वो धो रही है और फिर मैं अभी पसारूँगी। तो बस, और ये भी है एक और आई है, तो वो भी मतलब मिल के काम कर रही थी, मतलब हम लोग सब को मिल के काम कर रहे थे। तो ये देखिए दीदी ये भी है, हेलो कर रही थी। तो बस मतलब कि ये देखिए हम लोग अपने अपने काम, मेरी मम्मी देखिए गेहूँ धोआ जाए मतलब धो, ये देखिए मैंने पसार दिया है सारा गेहूँ, और छत भी धोया था, सुबह आया था तो पूरा छत भी मतलब गीला था, मैंने धो दिया था पहले आते आते ताकि धूप से और सूख जाए, क्योंकि घर भी मतलब छत है, तो वहाँ पे सारा पूजा का बर्तन रखा हुआ है और यहाँ पे सारा गेहूँ मैं फैला दे रही हूँ अच्छे से। तो मतलब सूख, यहाँ बहुत अच्छा धूप आ रहा है, तो यहाँ जल्दी ही सूख जाएगा। और छत पर धो के उसके बाद ये मतलब धोया हुआ ही चादर था, तो इसमें एक तरफ चावल और एक तरफ गेहूँ मतलब दोनों सूख मतलब सूखा दिया है और सूख गया है। और अब शाम मतलब शाम का टाइम हो गया है, तो अभी मतलब गेहूँ को इस तरह से करके अभी मैं रख दूँगी, मतलब अभी गेहूँ 1-2 घंटा तक यहीं पे रहेगा इसी तरह, उसके बाद अच्छे से सूख गया है और उसके बाद हम लोग खाना बनाएंगे। तो मतलब आज के दिन बनता है खाना में मतलब कद्दू और भात बनता है, कद्दू का मतलब सब्जी और दाल, चने का दाल, और फिर ये चने का दाल और कद्दू की सब्जी और चावल बनता है, अरवा चावल। तो बहुत कोई छठ पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, तो यहाँ ये बिहार झारखंड में बहुत होता है, तो हम लोग भी बिहार झारखंड में ही रहते हैं। तो मैं इस बार पहली बार कर रही हूँ छठ पूजा, तो आपके साथ मैं ये छठ पूजा का वीडियो शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए गेहूँ उठा ले रही हूँ सारा, ये देखिए रोड का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे अच्छा लग रहा था
और फिर उसके बाद ये देखे, अभी हम लोग मतलब कि यहाँ पे एक पेड़ था तो मैं उसे देख रही थी, उसमें ना मतलब आंवला फरा हुआ था, तो मैं वही देख रही थी, तो मुझे नहीं दिख रहा था मेरे, मतलब सबको दिख जा रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था। तो ये मेरी बेटी ने बोला कि हाँ हाँ दिख रहा है, तो वो वही वीडियो बना रही थी और वही देख रही थी। तो ये देखे यहाँ पे है देखिए, और मुझे नहीं दिखा था, तो फिर वीडियो में देखा था मुझे पता चल गया था, और उसे पता ही नहीं चल रहा था, ऐसे मुझे दिख ही नहीं रहा था कहाँ पे है। मैं बार बार देखे जा रही थी, और वो मुझे बता रही थी कि ये देखो यहाँ पे है, और ये देखे यहाँ पे मिलके हम लोग साड़ी सरिया रहे हैं। तो ये देखिए साड़ी से सूख गया है, तो सरिया रहे पकड़ पकड़ के। बस ये देखिए गेहूं मतलब कि सूख, मतलब हम लोग सूख गया था, तो फिर नीचे आ गए गेहूं उठा के, और मतलब उसको ढक के, और अब फिर मैं नीचे आ गई हूँ, तो खाना बनाऊंगी अभी। और खाना बना के उसके बाद मतलब मैं ही बनाऊंगी खाना, क्योंकि वो मैं सब्जी बना दे रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अभी घर ये वाला बन रहा है यहाँ का घर, तो अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है, तो इसीलिए इस तरह से है, मतलब प्लास्टर नहीं हुआ है, यहाँ पे आधा काम हुआ है। तो फिर भी हम लोग छठ पूजा यहीं पे कर रहे हैं, और ये देखिए तो आधा अधूरा हुआ अभी, तो अगले साल मतलब पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अगले साल अगर मैं मतलब दिखाऊंगी आपको अच्छे से, मतलब बन जाएगा उसके बाद। तो ये मेरी जेठानी का ही घर है, और यहीं पे मतलब अब मैं आई हूँ छठ पूजा करने के लिए, और मैं यहाँ पे अकेले ही रहती हूँ, तो फिर इसलिए यहाँ पे तो अकेले ही हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो मतलब ये क्या कहते हैं, छठ पूजा के लिए तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ये कड़ा पर्व है और बहुत नियम वाला है, इसलिए यहाँ। और ये देखिए यहाँ भी मिट्टू है, तो खाना बन गया है, तो खाना का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, तो बस खाना बन चुका है। तो अब ये देखिए सबको मतलब कि खाना लग रहा है सबको देने के लिए, और ये देखिए कितना गरम गरम है, और आज का खाना मतलब बहुत स्वाद वाला लगता है। ये देखिए यहाँ भी हम लोग के पास भी मिट्टू है, और यहाँ पे भी मिट्टू है, और बस हम लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखे मेरी जेठानी, इसे भी मिल लीजिए आप लोग, और देवरानी और जेठानी दोनों मिल के हम लोग मतलब अभी खाना खाएंगे, तो कद्दू भात खाएंगे, आज हम लोगों को यही खाना है, तो बस आज यही खाएंगे, और आज से मतलब कि शुरू हो जाता है मतलब छठ पूजा। उसके बाद फिर ये देखिए तो हम लोग पहले खा ले रहे हैं, फिर तो उसके बाद और सब लोग भी खाएंगे, अभी सबका मतलब लगा हुआ है, तो हम लोग मतलब चढ़ा ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग प्रणाम करके सब खाना खाएंगे। और जैसे जैसे वो बता रही थी मैं वैसे वैसे ही कर रही थी, क्योंकि तो मुझे पता नहीं था, तो पहली बार मैं इस बार सोची हूँ छठ पूजा करने के लिए, तो जैसे जैसे वो बोल रही थी ना वैसे वैसे ही करें, क्योंकि वो पहले वो कर चुकी है और मैं नहीं की हूँ कभी भी, तो बस इसीलिए उनसे मतलब उन्हीं के पास मैं जाके कर रही थी। ऐसे तो मेरी बहन लोग भी कर रही थी, लेकिन फिर अपना घर में ही हो रहा है, तो फिर इसलिए मैं वहीं पे गई थी। और ये देखिए फिर ये लोग गोलगप्पा पार्टी कर रहे थे शाम को, तो ये बिना लहसुन प्याज का है, और प्लीज़ एक लाइक करिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिलीगा जो भी हो आपके फैमिली बाजू सब के साथ शेयर कर लीजिएगा। और ये देखिए आ जाइए आप लोग भी गोलगप्पा पार्टी कर लीजिए, और तो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, थैंक यू। और अब अभी सारा ससुराल वाला ही मतलब अभी ससुराल में हूँ, तो सारा ससुराल वाला ही वीडियो मिलेगा। और आपके लिए मेरी गोदी की बेटी है, और ये मेरी बेटी है दोनों, और यहाँ पे ये काम करने वाली है आई हुई है। तो बस अब मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, थैंक यू।